सो so, प्रियंका uh, अपने बारे में आप कुछ ऐसा बताइए मतलब लाइक दैट दी स्टूडेंट्स डोंट नो आउट देयर मतलब आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपकी स्ट्रेटजी क्या रही और आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा सर मेरा नाम प्रियंका गोयल है और मैं दिल्ली शहर की ही रहने वाली हूँ और इस साल यूपीएससी की परीक्षा में मैंने 369 रैंक प्राप्त किया है और यह मेरा आखिरी प्रयास था और सर अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जर्नी जितनी कठिन रही उतनी मज़ेदार भी रही मैंने इसके अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज मैं जहां खड़ी हूं तो उसका मैं सारा श्रेय अपनी इस जर्नी को देना चाहती हूं जिस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मुझे यहाँ तक आना है वो ये थी कि मुझे अब इस समाज में अपना एक नाम बनाना है अपने पैरों पे खड़ा होना है और अपने देश के लिए जो भी मैं मुझे फील होता है कि मेरे पास पोटेंशियल है उसको मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती थी और स्पेशली ये जो हमें सुनने को मिलता है कि सिविल सर्वेंट्स के पास वो अथॉरिटी होती है जिससे वो लोगों की जीवन में एक बदलाव लेके आ सकते हैं उन्हें और ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं बस वही एक फीलिंग थी जिसने मुझे हमेशा इंस्पायर किया और मुझे ऐसे इतने पिछले पांच छह साल लगातार लगे रहने के लिए मुझे मोटिवेट किया थैंक यू एंड आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन yes, उसकी तैयारी आपने कैसे की मतलब क्या क्या चीजें आपने पढ़ी टेस्ट सीरीज कैसे आपने लिखा और आपने अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेने से पहले मैं uh, खुद ही uh, बहुत कंफ्यूज थी मुझे नहीं पता था कि क्या लेना है बट फिर मैंने ये ऑप्शनल चूज़ किया ये देखकर कि इसके बारे इसके अंदर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और सरकार के कैसे काम करती है वही जानने के बारे में मिलेगा तो इसलिए मैंने इस ऑप्शनल को चूज़ किया और पढ़ते पढ़ते मैंने ये महसूस किया कि ये वाकई हमें उन चीज़ों को समझने में मदद करता है और हमारे और ये और भी जी के सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करता है इसीलिए मैंने इसको चूज किया और पहले मेरी जो कमियां रही वो ये थी कि मैंने आंसर लिखने का उतना प्रयास नहीं किया मैंने ज़्यादा ध्यान जो है वो पढ़ाई की तरफ दिया सिर्फ पढ़ने के ऊपर लिख कर नहीं देखा तो मैं सबको भी यही कहना चाहूंगी कि आप ऐसी गलती ना करें और आप अपने आंसर्स को जरूर लिख कर देखिए कि जो भी आपको कमी लगती है आप उसे प्लीज चेक करवाइए आप मॉडल आंसर से अपने आंसर्स को मैच करिए और उसके बाद देखिए कि आप कहाँ कमी है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने निरंतर अभ्यास से आप उस चीज को जरूर सुधार लेंगे थैंक यू सो मच प्रियंका आपने हमारे साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया एंड आल्सो वो सारे स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं yeah. उनको भी आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए जिससे मतलब वो अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में ये सर थैंक यू सर आपने मुझे ये अवसर दिया यहाँ खड़े होकर बोलने के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और पूरे लुकमान आए इसका और बाकी सभी एस्पिरेंट्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब मन लगाकर पढ़िए आप जरूर सफल होंगे धन्यवाद धन्यवाद